हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो को लेकर आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और होम एक्सरसाइजेस क्या क्या रहती है फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए, वही मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और आप में से जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। फ्रेंड्स, फ्रोजन शोल्डर में कई बार आपका कंधा जाम हो जाता है और आपके जितने भी शोल्डर मूवमेंट हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों का कंधा 90 डिग्री से ऊपर नहीं उठता है, और अगर वो उठाते हैं तो उन्हें पेन होता है। बहुत सारे लोगों का हाथ इस तरीके से पीछे भी नहीं जाता है, जिसके कारण उनको डेली लिविंग एक्टिविटीज को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नहाने में, कपड़े पहनने में, हेयर ड्रेस करने में, इस तरीके की डेली लिविंग एक्टिविटी को करने में काफी पेन होता है। स्पेशली इसके साथ ही साथ फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को रात में ज्यादा दर्द होता है। रात में ज्यादा दर्द होने का कारण यह है कि जब भी आप रेस्ट पे जाते हैं तो ब्रेन का पूरा कंसंट्रेशन आपके शोल्डर पे रहता है, जिससे आपको पेन का फीलिंग ज्यादा होता है। और इसके साथ ही साथ जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रेस्ट पे रहती है, मूवमेंट ना होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट होता है, जिसके कारण शोल्डर में और ज्यादा स्टिफनेस आती है और इससे पेन आपका बढ़ जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर में आपको किस तरीके से सोना चाहिए, इसका वीडियो भी मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, जिसकी मैंने लिंक आई बटन में दे दी है। और इसके साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर या कंधे के दर्द में आपको किस तरीके से सोना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रोजन शोल्डर की कुछ सिंपल एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले आपको अपने कंधे को रिलैक्स करना है, जिसके लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी होगी। स्ट्रेचिंग में आपको कैप्सुलर स्ट्रेचिंग करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। इसमें नॉर्मली अपने हाथ को इस तरीके से यहां प्लेस करेंगे और अपोजिट हैंड से आपको इस तरीके से इधर स्ट्रेच करना है। आपको अपने शोल्डर के इस रीजन में पेन फील होगा, हल्का सा इसे स्ट्रेच करेंगे, जितना आप सहन कर सके उतना आपको स्ट्रेच करना है। इसे 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ये फर्स्ट पैटर्न था। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न में आपको अपने हाथ को इस तरीके से यहां प्लेस करना है और अपोजिट हैंड से इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। आपको अपने ट्राइसेप वाले रीजन में स्ट्रेच फील होगा, इसे भी 10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। सेकेंड पैटर्न में अब आपको अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाना है, जितना आप हाथ पीछे ले जा सकते हैं उतना आप ले जाएंगे, और इस तरीके से अपोजिट साइड से इसको ग्रिप करेंगे और ये वाले हाथ से आपको इसको इधर स्ट्रेच करना है, जितना हो सके आपको स्ट्रेच करना है। इसे भी आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। तो ये तीनों जो पैटर्न था ये आपका एक एक्सरसाइज हुआ। इसे इसी ऑर्डर में करना है, सबसे पहले हाथ इधर रखेंगे, उसके बाद इधर, और इसके बाद पीछे। ये एक पैटर्न हुआ, इसके आपको 10 रिपीटेशन करने एक बार में। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म करें, उसके पहले आप कंधे की हल्के गर्म पानी से सिकाई जरूर कर लें। इसमें आपको कंधे की सरफेस पे 5 मिनट रखना है अपने हॉट वाटर बैग को, 5 मिनट साइड में, 5 मिनट ऊपर और 5 मिनट पीछे साइड। इस तरीके से चारों सरफेस पे आपको कम से कम 20 मिनट गर्म पानी से सिकाई करना है। सिकाई के बाद इन एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर श्रगिंग। इसमें आपको अपने कंधे को नॉर्मली इस तरीके से श्रग करना है, ऊपर की तरफ आप लेकर जाएंगे और फिर धीरे से नीचे, अगेन अप एंड डाउन। इसे भी आपको 10 टू 15 टाइम रिपीट करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है टॉवल एक्सरसाइज। इसमें आपको इस तरीके से एक टॉवल ले लेना है, और सपोज आपको अपने सीधे हाथ में फ्रोजन शोल्डर है तो इस हाथ को इस तरीके से आप पीछे लेकर जाएंगे, और इसमें आपको अपने इस एक हाथ से टॉवेल को इस तरीके से ग्रिप कर लेंगे। जो जिस हाथ में आपको दर्द है वो हाथ आपका नीचे जाएगा, इस तरीके से आप इसको टॉवेल को ग्रिप कर लेंगे और इस हाथ को आपको फिक्स रखना है, और अपोजिट हैंड जो आपका ये वाला है इससे आपको ऊपर की तरफ इसे खींचना है इस तरीके से, और राइट वाला हैंड जितना आप ऊपर ले जा सकें उतना लेकर जाएंगे, धीरे से नीचे लेकर आएंगे और फिर धीरे से ऊपर। इसे आपको 5 to 10 टाइम रिपीट करना है इस तरीके से। तो ये थी फ्रेंड्स टॉवल एक्सरसाइज। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पेंडुलर एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम पेंडुलम एक्सरसाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसी तरीके से इसमें भी अपने हाथ को आपको चलाना है। सपोज आपको राइट हैंड में अगर प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से काउच का या पलंग का आप सपोर्ट ले लें टेबल का, और आपको अपने हाथ को इस तरीके से आगे और पीछे बिल्कुल फ्री इस तरीके से झूला झूलाना है। जिस तरीके से घड़ी का पेंडुलम चलता है उस तरीके से आपको इसको चलाना है। जब ये 10 बार हो जाए तो 10 बार होने के बाद अब आपको इसको अंदर बाहर इस तरीके से बिल्कुल फ्री चलाना है, और ऐसे के ऐसे ये भी 10 बार जब हो जाए तो अब आपको अपने हाथ को क्लॉकवाइज गोल गोल इस तरीके से घुमाना है। इसे भी आपको 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलाना है। जब ये एक 10-10 का आप सेट कंप्लीट कर ले तो थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर अगेन इसको रिपीट करना है, तो इस तरीके से इसे आपको कम से कम 5 बार करना है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिंगर लेडर एक्सरसाइज। आपको दीवार के सहारे इस तरीके से खड़े हो जाना है। सपोज आप अगर आप राइट हैंड के लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका फेस सामने की तरफ होगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इस तरीके से फेस घुमा लेते हैं दीवार की साइड, ये आपको नहीं करना है। आपको साइड में हाथ को इस तरीके से रखना है और अब आप फिंगर लेडर करेंगे। इसमें आपको उंगली को इस तरीके से ऊपर लेकर जाना है, धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप दीवार की साइड जा सकते हैं। आपको अपने कोहनी में फ्लेक्शन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इस तरीके से हाथ को चलाते हैं, ऐसा नहीं है। आपका हैंड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और इस तरीके से आपको उंगली को ऊपर लेकर जाना है और ऐसे कैसे आप इसमें नीचे आएंगे इसी तरीके से चलाते हुए। इसे कम से कम आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। फ्रेंड्स फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली होता यह है कि जो आपका हेड ऑफ ह्यूमरस रहता है वो आपके ग्लेनोइड कैविटी से चिपकने लगता है, जिसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। और इस चिपकने के कारण आपका जो शोल्डर मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। इसमें नॉर्मली आपका जो शोल्डर का स्पेस है ज्वाइंट का वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसमें नॉर्मली आप इस तरीके से पिलो ले सकते हैं। इस पिलो को आपको अपने एक्सिला में इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लेना है और इसको जितना अंदर हो सके फिक्स करेंगे। अब आपको करना यह है कि अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने हाथ से इस पिलो को प्रेस करना है अंदर की तरफ। इस तरीके से अंदर की तरफ दबाएंगे, 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अगेन प्रेस करेंगे, 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फ्रोजन शोल्डर में नॉर्मली आपकी जो डेल्टॉइड मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो ये डेल्टॉइड मसल्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी है। और इसके साथ ही साथ जो आपके कैप्सूल में एडिशन हो गया है, जो गैप आपका कम हो गया है, वो इससे बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप अंदर की तरफ दबाएंगे तो हेड ऑफ ह्यूमरस का ये वाला सिरा बाहर की तरफ जाएगा, जिससे ज्वाइंट स्पेस थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसमें आपका स्टिफनेस भी कम होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा, जिससे आपको फ्रोजन शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपका पेन भी कम होगा। तो ये भी आपको 15 से 20 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब आपको अपने दोनों कोहनी को और हाथों को इस तरीके से मिला लेंगे और अब आपको इस तरीके से मूवमेंट करना है। इस तरीके से आप राइट लेकर जाएंगे, जितना हो सके लेकर जाना है। आपको अपने राइट शोल्डर में स्ट्रेच फील होगा, इसी तरीके से आप इसे लेफ्ट साइड भी ले जा सकते हैं। ये भी आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ सिंपल एक्सरसाइज जिनको करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर को क्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।